होना है। कोटा संसदीय सीट पर कुल 2413 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान कराने के लिए मतदान दलों को भेजा गया है। कई मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए कैमरे से पैनी निगाह रखी जाएगी। 1507 बूथ हैं कोटा जिले में, जिसमें से 50% पे वेबकास्टिंग हो गई। तीसरी ट्रेनिंग यहाँ हो गई है। 3 विधानसभाओं की पार्टियां रवाना हो गई, 3 की अब रवाना हो गई। सारी व्यवस्थाएं माकूल कर दी गई हैं। गर्मी को देखते हुए छाया का पानी का व्यवस्था की गई है। अर्बन एरिया में जो वोटर आए वो अपनी बूथ पे लाइन कितनी लगी हुई है इसकी रियल टाइम अपडेट ले सकता है। हर आधे घंटे में उसको अपडेट किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि विधानसभा में जो वोटिंग परसेंटेज रहा था हम उससे ज़्यादा वोटिंग करा पाएंगे। बहुत ही इंटेंसिव स्वीप एक्टिविटीज़ की गई है। कोटा की जनता भी जागरूक है और हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में बाहर निकल के वोट करेंगे और हमारा मतदान का जो महापर्व को सफल बनाएंगे। जो कल कोटा बूंदी लोकसभा जो 2024 के चुनाव कल द्वितीय चरण में प्रस्तावित है यहाँ पर, उसकी हमारी पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन के मापदंड के अनुसार सभी जो पोलिंग बूथ है उन पर जाप्ता लगा दिया गया है। संवेदनशील अति संवेदनशील पर हमने CAPF की भी डिप्लॉयमेंट की है। सभी हमारे अधिकारी जो हैं उनको हमने ब्रीफ कर दिया है। पोलिंग पार्टी के साथ जो अभी साथ में जाएगा जो जाप्ता, उसको भी ब्रीफ कर दिया गया है। तो सभी को पता है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने के लिए बिल्कुल